कल 13-8-24 को हमारी डीबी की टीम पोजीशन के जुरिडिक्शन में पेट्रोलिंग कर रही थी। पेट्रोलिंग के दरमियान उनको भादवड़ पाइपलाइन के पास में एक ऑटो रिक्शा संशयास्पद स्थिति में मिला। उसके पास इंक्वायरी करने के बाद, उसका सर्च दो पंचों के सामने लेने के बाद, उसके ऑटो रिक्शा में गांजा, ये मादक पदार्थ 10 किलो 430 ग्राम बरामद हुआ है। उसकी कीमत 3,15,000 रुपये है। अभी वो जो रिक्शा में जो रिक्शा चालक था, उसका नाम सलीम इब्राहिम खान है। वो लाडली बाई चाल दूध नाका रेती बंदर रोड कल्याण का रहने वाला है। उसको हम एक गुना दाखिल करके, एनडीपीएस एक्ट के तहत गुना दाखिल करके अरेस्ट किया है और उसको आज कोर्ट में हाजिर किया था। कोर्ट ने उसका 17 तारीख तक पुलिस कस्टडी रिमांड दिया है। उसके पास इंक्वायरी चालू है कि उसने ये कहाँ से लाया है और कहाँ लेके जा रहा था, इसके बारे में भी तपास होगा। सर, इसके नाम पे मुंबई में कुछ कंजम्पशन के केसेस नारकोटिक्स एक्ट के ही दाखिल है। ये पोजीशन का ये पहला ही केस है। नहीं, ये रिक्शा में अकेले था कि साथ में और भी कोई? ये रिक्शा में अकेले था। सर, इसमें कितने लोगों की मिले हुए होने की आशंका है, और कितने लोग इसमें शामिल होते हैं? मैं अभी ये थोड़ा कल जब उसको ताबे में लिया है तो ये कुछ बताने को तैयार नहीं है। अभी उसकी पुलिस कस्टडी हम दिया है। इसमें उसने जहाँ से ये माल लाया है उसके बारे में पूछताछ चालू है। पूछताछ के बाद पता चलेगा कि इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है। डीबी के कितने? इसमें हमारे डीबी के एपीआई पाटिल और हमारे दूसरे पीआई है विनोद पाटिल साहब और उनकी टीम, ऐसा ही इसमें तपास कर रहे हैं। खास करके अपने पोलिटिशन के हाथ से युवा पीढ़ी के नशे को लत को आदि हो रहे, अपने भविष्य खराब कर रहे, इनको क्या? नहीं, देखो, हम पिछले कुछ महीने से देख रहे हैं कि भिवंडी पूरे शहर में ऐसे नशा करने वाले युवक बहुत सारे मिल रहे हैं। हम उनपे भी कार्रवाई दिन ब दिन करते हैं, लेकिन उनको ये नशा का पदार्थ मिलना ही नहीं चाहिए। इसके लिए हम ये माहिती निकाल रहे हैं कि ये नशा का पदार्थ कौन लेके उसका व्यापार कर रहा है, कौन बेच रहा है। तो ऐसे लोगों को हम अभी पकड़ रहे हैं। पिछले दिनों में ये दो तीन कार्रवाई हमने की है ऐसे लोगों को पकड़ के। तो मेरा ये नौजवान युवकों को संदेश है कि उन्होंने नशीले पदार्थ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। अनेक नए नौजवान युवक इसकी वजह से जवानी में ही मरते हैं। उनके माँ बाप के ऊपर बहुत गंभीर असर पड़ता है इस बात का। तो मैं सबको अपील यही करूंगा कि अपन ये नशीले पदार्थों से दूर रहो, इनका इस्तेमाल जिंदगी में कभी मत करो।